तो चलिए अब बात करते हैं कोलकाता केस के बारे में, क्योंकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की वार्ता अपील के बाद आंदोलनकारी डॉक्टर ने पीएम और राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में इंसाफ दिलाने के लिए दखल करने की मांग की है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता का शक और भी ज्यादा गहरा गया है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में लगातार डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच डॉक्टर्स की मांगों को लेकर और प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति नहीं बन पा रही। हालात ये हैं कि ममता बनर्जी सरकार लगातार डॉक्टर्स को आमंत्रित कर रही है, उनका इंतजार कर रही है, लेकिन डॉक्टर बंद कमरे में बात करने को तैयार नहीं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या की घटना पर विरोध प्रदर्शन के बीच जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन में अभया क्लिनिक नाम से क्लिनिकल शिविर शुरू किया। प्रदर्शन के साथ डॉक्टर्स इलाज भी कर रहे हैं। वही ममता बनर्जी के इस्तीफे वाले बयान के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बस दिखावा कर रही हैं। ममता बनर्जी को न्याय दिलाने से मतलब नहीं, बल्कि आरोपियों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी है। ममता बनर्जी जी ने केवल और केवल निर्ममता का परिचय दिया है और लगातार जिस प्रकार से उनकी सरकार ने बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य को छुपाओ और बलात्कारी बचाओ किया है, आज केवल कोई सिंपति कार्ड खेलकर वो बच नहीं सकती, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। इधर सीबीआई भी संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सियालदा कोर्ट में संदीप घोष का नार्को टेस्ट करवाने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन संदीप घोष ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति नहीं दी, जिसके बाद सियालदा कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। अब सवाल ये है कि आखिर संदीप घोष को क्या सच्चाई बाहर आने का डर है? क्या संदीप को अपने राज खुलने का डर है? सीबीआई पहले ही संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। ऐसे में सीबीआई नार्को टेस्ट के जरिए संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट में दिए गए बयानों को मिलाना चाहती है। इन सब के बीच सीबीआई और ईडी की जांच और तेज हो गई है। एक तरफ ईडी संदीप घोष और उसके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी को छापेमारी में घोष के घर से संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच में संदीप घोष शिकंजे में फंसता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। देखिए बिहार के पटना से जिस तरह की खबरें सामने आई, कुछ इसी तरह की खबरें और वक्फ बोर्ड की करतूतों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को मजबूरी बनाया है। क्या पूरी खबर है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केस में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड में सुधार और बिल के जरिए संशोधन क्यों जरूरी है, ये एक ऐसे उदाहरण से आपको समझाएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। मोदी के सांसद ने खुद इसका पुख्ता सबूत दिया है, क्योंकि बिहार के एक गाँव पर वक्फ ने दावा ठोक कर बवाल मचा दिया है। गांव वाले हैरान हैं और गुस्से में भी। 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल? हाँ, हाँ। आपकी खरीदी जमीन है। इससे खरीदे थे? हराम प्रताप लाल जी के लड़का से खरीदे थे। 50 साल? हाँ, पहले हराम प्रताप लाल जी के दादा के नाम से खतियान है, या खतियानी जमीन है। 1908 में सर्वे हुआ था, उनके पूर्वज 300-400 बरस से रहते आ रहे हैं। सरकारी जमीन है, गर्मेरों मालिक है, ये कब्रिस्तान है, लेकिन कब खतियान में तो हिंदू का खतियान बोलता, कब्रिस्तान तो है ही नहीं है। पर ये लोग जानबूझ, ये रास्ता था, पब्लिक रास्ता बनना था, उसको जब बार बार उसको नोटिस दे के बंद कराया कि रास्ता कब्रिस्तान का जमीन मेरा ही था, खानदानी जमीन था। हाँ। वक्फ की इसी दादागिरी को रोकने के लिए संसदीय कमेटी एक प्लान बना रही है। इसी जेपीसी के सदस्य को गांव जाकर लोगों से मिलना पड़ा। सांसद संजय जायसवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके दस्तावेज देखे। वहाँ पर यह नोटिस टंगा हुआ है कि आप जमीन खाली करें, जबकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपना वह नोटिस वापस ले लिया और यह बताता है कि वहाँ का जो मुतवली है वह किस सीमा तक कानून की बात नहीं मानता। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
उस आदमी ने सबसे पहले जितनी भी वहाँ की सरकारी ज़मीन थी सबों को अपने नाम पे करवाया, उसका सबूत मेरे पास है 2021 में। लोगों ने ऐतराज़ किया कि आप सड़क की ज़मीन और कुएं की ज़मीन आपके नाम पे कैसे, तो उन्होंने ये सारी संपत्तियाँ वक्फ घोषित कर दी। वक्फ बोर्ड की ऐसी ही करतूत और जबरन दावों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को एक मजबूरी बना दिया है। इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है पटना से सटे फतवा के इस गांव का मामला, जिस पर वक्फ ने दावा कर दिया है। जबकि जिस गांव पर वक्फ ने दावा किया है उस गांव का नाम ही गोविंदपुर है। यहां पर 90% आबादी हिंदुओं की है और 10% लोग मुस्लिम समाज के रहते हैं। इस गांव की जमीनें करीब 1910 से हिंदुओं के नाम पर दर्ज है, लेकिन बिना सबूतों के ही वक्फ ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और कहा कि 30 दिनों में लोग गांव खाली कर दे। वक्फ के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री का दावा 1959 का किया जा रहा है, लेकिन अब 2024 में वक्फ इसे खाली कराने को कह रहा है। जबकि RTI से पता चला है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो कागजात दिखाए हैं उसमें वो कॉलम ही खाली छोड़ दिया जिसमें जमीन दान करने वाले का नाम देना होता है। यानी वक्फ को ये जमीन किसने दान दी बोर्ड को भी नहीं पता, लेकिन जिस गांव में पीढ़ियां गुजरी बच्चे से बूढ़े हो गए अब उन लोगों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। ग्रामीणों ने वक्फ की दबंगई के खिलाफ गुहार तो कलेक्टर से भी लगाई मगर राहत नहीं मिली। तब जाकर मोदी के एक प्रस्ताव से उम्मीद की किरण मिली है। बीजेपी सांसद ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि JPC के सामने खड़े होकर उनके हक की बात कहलवाई जाएगी। मैं निश्चित तौर पर अपने अध्यक्ष जी के पास जाके अपील करूंगा कि हम सभी वक्फ बोर्डों को सुन रहे हैं, सभी उनसे संबंधित सरकार के विभागों को सुन रहे हैं, इनसे पीड़ित लोगों की भी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। हर हालत में इस तरह के लोग जिनके साथ इतना बड़ा घोटाला और धांधली, क्योंकि यह तो बेचारे रिट में चले गए, पर बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो रिट में जा नहीं सकते हैं। हाईकोर्ट में कितने लोग सक्षम है रिट करने के। वक्फ को जो ये अधिकार मिला है कि जहां हाथ रख दो वो जमीन उसकी हो जाती है, फिर आप लगाते रहिए वक्फ ट्रिब्यूनल के चक्कर, क्योंकि कोर्ट जाने का रास्ता तो बंद है। इसी में तो सरकार बदलाव करना चाहती है मगर कुछ लोगों को ये भी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में कमला हैरिस पर बोला हमला, कहा हैरिस ने अपराध के प्रति अपनाया नरम रुख। अमेरिकी विदेश विभाग ने रूसी सरकारी मीडिया पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। यूक्रेन में मॉस्को के सैनिकों के लिए धन जुटाने के लिए सरकारी मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए। रूस में नीतिगत दर बढ़कर पहुंची 19%, खुदरा मुद्रा स्फीति दर हुई 9.1%, 2025 में 4% के लक्ष्य पर लाने के लिए और अधिक दरों में वृद्धि की जताई संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अश्वेत एक्सीलेंस कार्यक्रम की मेजबानी की है। हैती के अप्रवासियों के बार में ट्रंप के झूठे दावों का विरोध किया गया। बोइंग कैप्सूल के वापस लौटने पर बोले अंतरिक्ष यात्री सुनीता और बुच विलमोर, कहा बोइंग कैप्सूल को पृथ्वी पर लौटते देखना कठिन। IDF का लगातार जारी है हिजबुल्ला पर हमला, दक्षिणी लेबनान के कफर रोमनेने पर दागे रॉकेट। उत्तरी इसराइल के एक्रे शहर में विस्फोट, पुलिस स्टेशन के पास कार में हुआ धमाका, इलाके में मचा हड़कंप। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार मनाई गई जिन्ना की बरसी, कार्यक्रम में पढ़ी गई उर्दू में कविताएं। अब इटली में होगी हिंदी की पढ़ाई, रोम में भारतीय दूतावास ने कहा कि मिलान विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षण को दिया जाएगा बढ़ावा, इंडोलॉजी अध्ययन की परंपरा को किया जाएगा मजबूत। पहुंचने जागरूकता भारत में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।